नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह लाल किले से अगले साल तिरंगा फहराने की घोषणा की है, यह विश्वास देश की जनता उन्हें देती है। देश की जनता ने उन पर विश्वास कर दो दो बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। 2014 से ज्यादा जनादेश उन्हें 2019 में मिला और इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 से ज्यादा जनादेश 2024 में भी मिलेगा। आज जिस लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री ने विश्वास से किया है और जिस विकसित भारत के निर्माण की सोच प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिखाई है, उस सोच को पूरा करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और वह हमारे पास है। वह सोच कम से कम महागठबंधन या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनके पास तो बिल्कुल नहीं है। इस सोच को कोई पूरा कर सकता है तो वह मौजूदा प्रधानमंत्री ही है, उसे नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात कही है, ये विश्वास देश की जनता ही उन्हें देती है। देश की जनता ने दो दो बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। 2014 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में मिलेगा। आज जिस नए लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस विकसित भारत के निर्माण की सोच प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से दिखाई है, उस सोच को पूरा करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो कम से कम महागठबंधन या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनके पास तो नहीं है। चिराग ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में हमारा देश अब मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है। एक वक्त था जब 10वीं और 11वीं नंबर पर भारत संघर्ष कर रहा था। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। 2029 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचानी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा नहीं फहराएंगे, यह उनकी घबराहट को दर्शा रहा है। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगले चुनाव होने तक उनका गठबंधन टिकेगा भी या नहीं, कहीं अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। तो चिंता उनको अपने गठबंधन को लेकर है, अपने मुख्यमंत्री पर अविश्वास को लेकर है। जब उंगलियां दूसरों पर उठती हैं तो कई उंगलियां अपनी तरफ भी मुड़ती हैं। यह वही झुकाव है जिससे महागठबंधन के लोग डरते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।